द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। संसद में इस बार अलग तरीके की बातें हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि वहां असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, मर्यादा का पालन नहीं किया जा रहा है संसद भवन का, और जो कुछ देखने को आज मिला है उससे ये बात तो बिल्कुल सच साबित हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही संसद की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल आप समझिए, जब किसी सांसद को मौका दिया जाता है तो उस वक्त उसको अपनी बात रखनी होती है, लेकिन जब वो बात रख रहा होता है तो उधर से प्रधानमंत्री जी का आगमन हो जाता है, और प्रधानमंत्री के आगमन के बाद जो नारे वहाँ पर लगने शुरू हो जाते हैं, और फिर जो सांसद महोदय बोल रहे होते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मनोज तिवारी जिनका नाम है, और वो भी मोदी जी के जयकारे लगाना शुरू कर देते हैं, तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार ये संसद की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है क्या? क्या इस पर भी ओम बिरला जी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? क्योंकि सत्ता पक्ष का मामला, इसलिए ओम बिरला भी बिल्कुल शांत होकर सारी चीज़ें देख रहे थे कि नहीं, जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है। अभी विपक्ष के किसी सांसद द्वारा इस तरीके की बात की जाती तो फिर तो सवाल मनोज तिवारी के द्वारा नहीं, बल्कि फिर तो सवाल उठाए जाते और फिर ओम बिरला जी नसीहत देते हुए भी नज़र आते, फिर असंसदीय मर्यादा कर रहे हैं, संसद की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के आने पर इस तरीके से नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, ये सिखाते पढ़ाते हुए नज़र आते। चूंकि मामला सत्ता पक्ष का था इसलिए ओम बिरला जी बिल्कुल शांतिपूर्वक सब कुछ देख रहे थे, और जो कुछ भी संसद में हो रहा था वो मुझे नहीं लगता कि एक पार्लियामेंट की जो गरिमा होती है उसके पक्ष में था, वो बल्कि गरिमा के खिलाफ था, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप समझिए कि ये क्या कुछ बना दिया गया है, एक इलेक्शन का मैदान बना दिया गया है संसद को, जहां संसद, जहां जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, जहां बातचीत होनी चाहिए, जहां पर उन मुद्दों पर हल निकलना चाहिए, देश की प्रगति के बारे में वहां पर चर्चा होनी चाहिए, वहां पर नारेबाजी हो रही है। वहां पर किस तरीके की नारेबाजी, जैसे लगता है किसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हों और उस मंच पर उनका स्वागत किया जा रहा हो और स्वागत करते हुए उनके पक्ष में नारेबाजी की जा रही हो और ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही हो कि हम प्रधानमंत्री जी के कितने खास हैं, और ये एक तरीके से चाटुकारिता के भी उसमें आता है कि मतलब कितनी ज़्यादा हम प्रशंसा कर सकते हैं, कितना ज़्यादा महिमामंडन कर सकते हैं और उससे कितने ज़्यादा पॉइंट मुझे मिल सकते हैं, ये भी साफ तौर पर समझ में आता है। तो चलिए सीधे तौर पर आपको संसद का वो वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो को लेकर ये चर्चा हो रही है, और लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए अपनी अपनी बातें भी अलग तरीके से रख रहे हैं। पहले ज़रा आप वो वीडियो गौर से देखिए कि लोकसभा में बातचीत चल रही है, एक माननीय सांसद हैं मनोज तिवारी जो बोल रहे थे और बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद जब जयकारे लगने शुरू हुए तो अंततः उनको भी अपना भाषण रोक कर, अपना वक्तव्य रोक कर मोदी जी के जयकारे लगाने पड़े। ये ज़रा देखिए कितनी दुविधा है, कितनी स्पष्टता है और क्या कुछ ना किया जाए इसमें। ज़रा देखिए किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ये ज़रा वीडियो पहले आप देखिए कि मनोज तिवारी पहले बोलते हुए नजर आते हैं, उसके बाद वो नारे भी लगाते हुए नजर आते हैं, जरा देखिए। दुनिया से राजनीति में आते हैं उनके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल था। मैंने अध्यक्ष जी, मोदी भारत माता की, अध्यक्ष जी। तो सुना आपने, मनोज तिवारी, माननीय अध्यक्ष जी मैं अपनी बात रख रहा हूं, और बात रखते रखते जिस तरीके से मोदी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं, मोदी मोदी मोदी, ऐसा लग रहा था कोई चुनावी सभा होने जा रही है और सब नारे लगा रहे हैं। इन नारों से क्या मतलब होने वाला है? मोदी जी के आगमन से पहले जिस तरीके का शंखनाद किया जा रहा था और जिस तरीके से चीज़ें वहां पर हो रही थी, मोदी मोदी के नारे लगा, ऐसा लग रहा कि राजतंत्र नहीं, अब मतलब लोकतंत्र नहीं, अब राजतंत्र आ गया है। एक राजा है और उसके राजा की अगुवाई में जब राजा बढ़ता है तो पहले देखता नहीं कैसे शंखनाद होता है कि राजा हाजिर हो रहे हैं, फिर उनकी जयकारे लगने शुरू हो जाते हैं। वो सब प्रथा जो है वो संसद भवन के अंदर दिखाई दे रही थी। संसद भवन जो लोकतंत्र का बहुत बड़ा प्रतीक है, जहां पर देश के महनीय लोग बैठते हैं, जहां पर देश के उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, उन पर बातचीत होनी चाहिए, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो, चाहे वो सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का मसला हो, चाहे वो देश की उन्नति का मसला हो, चाहे वो किसानों का मसला हो, चाहे बेरोजगारी का मसला हो, इन मसलों पर बहस होने के बजाय वहां अगर प्रधानमंत्री के आगमन पर नारेबाजी में सारे सांसद जुट जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि देश की प्रगति के बारे में कब सोच पाएंगे। उन्हें शायद इसी बात की फुर्सत नहीं है कि कब अपने बॉस को खुश करना है, बॉस को खुश करने के चक्कर में ही वो काम कर रहे हैं।
अगर वाकई में ये सारे सांसद जनता को खुश करने के लिए काम करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि देश तरक्की करेगा और देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो विकासशील की श्रेणी में अभी तक हम अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, वो विकसित होने की श्रेणी में आगे बढ़ेंगे और देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। लेकिन जो ये वीडियो संसद का दिखाई दे रहा है, इस वीडियो में साफ झलक रहा है कि किस तरीके से एक नारेबाजी करके मोदी जी का महिमामंडन किया जा रहा है। वैसे पहले से भी होता रहा है कि मोदी का महिमामंडन करने के लिए न जाने किन किन अवतारों से उन्हें नवाजा जाता है, किन किन बातों से उन्हें नवाजा जाता है, ये सब कुछ आपने देखा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो कभी कभार वायरल होते रहते हैं। अब सौरभ यादव हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है, लिखा क्या कुछ है ये ज़रा हम आपको दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा कि संसद चल रही है, सांसद मनोज तिवारी बोल रहे हैं, तभी मोदी जी आते हैं, सब खड़े होने लगते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, मनोज तिवारी भी अपनी बात को रोक कर मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं। ऐसे संसद किस देश में चलती है, ये सवाल उठाया जा रहा है। संसद में स्पीकर विपक्ष के लिए मर्यादा और नियमों की दुहाई देते हैं और खुद क्या कर रहे हैं, कैसे संसद चला रहे हैं, ये देखना चाहिए। अब स्पीकर साहब को क्या संसद की मर्यादा का ख्याल नहीं रहा? क्या वो संसद की मर्यादा के बारे में दो चार भाषण या दो चार नसीहत अपने ही मतलब अपने कह लीजिए या फिर कह लीजिए सांसदों को नहीं दे सकते? सत्ता पक्ष के सांसदों को भी नसीहत देने की नैतिक जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर की बनती है, लेकिन उस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाहन न करते हुए बल्कि विपक्ष के लोगों को समझाने का काम हमेशा से ओम बिरला जी के द्वारा किया जाता रहा और इसीलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखिए लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। मंजुल लिखते हैं कि स्पीकर साहब को कितना दुख होता होगा, आप क्या जाने, बेचारे इस नौटंकी में भाग नहीं ले पाते, ये कहा जा रहा है। कितना दुख होता होगा जो ये नौटंकी संसद में चल रही है, जहां पर नारेबाजियां हो रही हैं, जहां जय जयकार किया जा रहा है, वहां उसमें शामिल नहीं हो पाते। जब तक स्पीकर खुद मोदी मोदी के नारे नहीं लगाते लगाने लगते तब सब कुछ मर्यादा में है, यानी जब तक ये नारे नहीं लगाए जाएंगे तब सब कुछ मर्यादा में है। सुनील मौर्य इस पर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं कि मनोज तिवारी मोदी मोदी बोलते तो हैं लेकिन बोलते समय झेप जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये अनुचित है, मतलब ये सही नहीं है। इस तरीके से संसद में किसी नेता के आ जाने या प्रधानमंत्री के आ जाने पर इस तरीके से आप संसद की गरिमा का उल्लंघन करते हुए वहां पर नारे लगाना शुरू कर दें। एसके पांडे भी लिखते हैं कि संसद की कार्यवाही को रोककर मोदी मोदी के नारे लगाना हमारी संसद की गौरवशाली परंपरा का अपमान है। आप समझिए, ये जो हमारे संसद की गौरवशाली परंपरा है इसका अपमान किया जा रहा है। नेता या प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि सरकारें आएंगी जाएंगी पर संसद सर्वोच्च होनी चाहिए, संसद को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए, संसद में जो सांसद बोल रहा है उसकी बातों को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ना कि अगर प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है उस पर नारेबाजी करनी चाहिए। आप देखिए कि पहले मनोज तिवारी बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार जब नारों का शोर बढ़ता जाता है, एक के बाद एक सब मोदी मोदी करने लगते हैं तो अपना भी मोदी मोदी करने लगते हैं, लेकिन एक बार झेप जाते हैं फिर भारत माता की जय के नारे भी लगाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति पर पूरी बातें टिक गई हैं। वैसे खड़गे साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि अब घमंड टूट रहा है, क्योंकि पहले एनडीए की सरकार थी तब एनडीए की सरकार नहीं बोली गई, यहाँ तक कि बीजेपी की सरकार भी नहीं बोली गई, मोदी सरकार बोली गई, लेकिन अब गठबंधन यानी एनडीए की सरकार बोली जा रही है तो घमंड धीरे धीरे टूट रहा है। लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं ये ज़रूर संसद की मर्यादा के उसकी परंपरा के खिलाफ हुई हैं। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।